कानपुर में एम्बुलेंस गाड़ियों को डीजल का भुगतान न किए जाने पर 3 महीने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। सरकारी अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों की संख्या इस माह घटकर 1/4 हो गई। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में भुगतान संकट मरीजों के लिए मुश्किलों से भरा है। 108 एम्बुलेंस से आने वाले मरीजों की संख्या घटी है, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि 108 एम्बुलेंस के आने की संख्या घटी है। पिछले 3 महीने से डीजल का भुगतान न होने से पेट्रोल पंप संचालक 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा को डीजल मुहैया कराने में आनाकानी कर रहे हैं। इससे गरीब मरीज या तो अपने घर पर तड़पने को मजबूर हैं, या फिर निजी एम्बुलेंस को भारी भुगतान करके अस्पताल तक पहुंच रहे हैं। अकेले कानपुर में 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा के तहत 62 एम्बुलेंस चलाई जा रही है। और हम लोग का जो प्राइवेट है, जैसे किसी हॉस्पिटल से पेशेंट आना है तो हॉस्पिटल वाले अपना पैसा तय कर लेते हैं, 500 तय करेंगे तो हमको 300 रुपए देते हैं। इससे कुछ समय के लिए एम्बुलेंस सेवाएं प्रभावित हुई, लेकिन अब इन दिक्कतों को दूर कर लिया है और धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ रही है। जो एम्बुलेंस का ऑपरेशन जो हमारे आउटसोर्स कर रखा गया है, और उस एजेंसी को डीजल नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो उन्होंने हमें अवगत कराया था कि डीजल न होने की वजह से वो एम्बुलेंसेज नहीं चल पा रही। अगर स्वास्थ्य विभाग ये दावा करे कि एम्बुलेंस बंद करने से किसी मरीज को जान से हाथ नहीं धोना पड़ा, तो क्या इस पर भरोसा करना किसी गलत फहमी से कम नहीं होगा? न्यूज के लिए कानपुर से चंद्रकांत की रिपोर्ट।